अस्सलाम वालेकुम, आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं एक रिव्यू लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ। B&B का सनस्क्रीन मैंने मंगवाया था, मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ। यूज़ करने के बाद आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ। 1000 रुपीज़ में मुझे ये मिला था, इनकी वेबसाइट से मैंने मंगवाया था। तो चलें जल्दी से इसकी पैकिंग खोल लेते हैं, अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इसकी कि किस तरह इसकी पैकेजिंग थी। तो बड़ी सेफली पैकेजिंग की हुई थी इसकी, क्योंकि ये मैंने सुना था कि लिक्विडी फॉर्म में है और वाटरी सा है ये, तो इस वजह से इसकी काफ़ी अच्छी तरीके से इन लोगों ने पैकिंग की हुई है कि कहीं वो लीक ना हो जाए। तो जितनी देर में मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, पैकिंग खोल रही हूँ, आप मेरे चैनल पे जल्दी से जाके विज़िट कर लें और सब्सक्राइब कर दें अगर मेरी वीडियोस पसंद आए आपको, क्योंकि इसी तरह की रिव्यूज़ भी मैं अपने चैनल पे देती हूँ और मैं होम रेमेडीज़ भी बनाती हूँ और उनकी भी वीडियोस शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी ज़रूर करिएगा और जो है सब्सक्राइब भी कर दें। अच्छा, सबसे पहले 50+ इसमें सनस्क्रीन है, लाइट वेट है, मिल्की फार्मूला है इसका, SPF इसमें 50+ है, UVA और UVB इसमें प्रोटेक्शन है। इंग्रेडिएंट्स इसमें काफ़ी सारे हैं, जिंक ऑक्साइड है और टाइटेनियम ऑक्साइड है, बहुत सारे हैं जिनके तो सिर्फ हमें नाम ही पता है, लेकिन असल हमें इसके फ़ायदे देखने हैं। तो इस पे लिखा है कि लाइट वेट फार्मूला है, नॉन ग्रीसी और फ्रेगनेंस फ्री है, इसीलिए आपके फेस के पोर्स क्लॉग नहीं करता और कोई भी नेसेसरी इरिटेशन नहीं होती, और इसके बहुत से फ़ायदे हैं। अच्छा, मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मंगवाया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप लोगों को, तो आप वहाँ से मंगवा लीजिएगा। इसकी पैकिंग खोल लेते हैं, इसको इसकी बॉटल निकाल लेते हैं। अच्छा, इस पे लिखा है कि अप्लाई लिबरली 15 मिनट, मतलब ये कि आप जब घर से बाहर निकलें तो 15 मिनट पहले इसको अप्लाई कर लें, क्योंकि 15 मिनट के बाद ये अपना असर शुरू करता है। ऐसा ना हो कि बस आपने लगाया और फटाफट घर से बाहर निकल गए, सूरज के बाहर आ गए। तो 2 घंटे बाद इसको रीअप्लाई भी आपने करना है, और इसको इसी तरह शेक करके और फिर आपने इसको निकालना है। लेकिन निकालने से पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये पंप वाला नहीं है, जब वाटरी इसका फॉर्मूला था तो उनको इसका पंप वाला बॉटल रखनी चाहिए थी जिसमें ये ज़ाया ना हो। अगर हम इसको एकदम से नीचे करके निकाल लेते हैं ना, तो एकदम से काफ़ी सारा आ जाता है, सनब्लॉक का जो वो लिक्विड है एकदम से बाहर निकल के आता है। आप पहले इसको ऊपर की तरफ से खोलें, नीचे की तरफ करके कभी भी मत खोलिएगा, ऐसे नीचे करें और फिर आपने इसको थोड़ा सा निकालना है। तो देख लें आप, बिल्कुल इसका मिल्की सा फॉर्मूला है और अप्लाई ये बिल्कुल ईजीली हो जाता है, कोई वाइट कास्ट नहीं है इसमें और कोई इसके अंदर चिपचिप नहीं है, ग्रेसीनेस बिल्कुल भी नहीं है, आराम से जज्ब हो जाएगा आपकी स्किन पे। मेरा पर्सनल जो रिव्यू है ना, तो वो ये है कि मैंने जब इसको गर्मियों में यूज़ किया तो मेरी स्किन पे बहुत पसीने आए इसको लगा के, तो मुझे तो मज़ा नहीं आया लगा के। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है और आप चाहते हैं कि वाइट कास्ट भी ना छोड़े, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उनके जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है ये। बस इसके बाद, इस बॉटल के यूज़ करने के बाद मैं अब दूसरा नहीं मंगवाऊंगी, कोई और सनब्लॉक मंगवाऊंगी जो मेरी स्किन को सूट करे। आप देख ही रहे हैं, कोई चिपचिप नहीं है, बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा कि मैंने स्किन पे कुछ लगाया है, हल्का सा ऐसा लग रहा है कि मॉइस्चराइज़ किया है बस। अभी मैंने इसका ऑयल क्लेंज़र भी मंगवाया है, वो मैं यूज़ कर लूँ फिर उसके बाद उसका रिव्यू दूँगी। तो मेरे चैनल के साथ साथ बने रहिएगा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अच्छा सा कॉमेंट भी कर दीजिएगा और शेयर लाजमी करें, सब्सक्राइब कर दें अगर मेरे चैनल पर नए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए मुझे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।